नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको ओटू झील पर, यानी घग्गर नदी पर, जिसे आप बरसाती नदी भी कह सकते हैं। बरसाती बाढ़ का पानी ओटू हेड पर पहुंचने पर किसानों के चेहरे हमेशा खिल जाते हैं, क्योंकि यह पानी हजारों एकड़ भूमि को सिंचित करता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। चौधरी देवीलाल वियर ओटू हेड पर पहुंचा 2000 क्यूसेक पानी। खासकर धान की बुआई के समय बरसाती पानी के पहुंचने पर किसानों की बाहें मानो खुल गई हों। बरसाती पानी के पहुंचने पर किसानों के अलावा मछली पालन रोजगार भी बढ़ा है। इसके अलावा ओटू हेड पर लगने वाली रेहड़ियों का कारोबार भी बढ़ गया। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि बरसाती पानी पहुंचने पर हेड पर रौनक लौट आई है। रानिया क्षेत्र व इसके आसपास के अनेकों गाँव में अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की संभावना बन गई है। बरसाती पानी को कंट्रोल करने के लिए ओटू में हेड का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1999 में इसकी आधारशिला रखकर निर्माण कार्य शुरू करवाया। बरसाती पानी जो कि इससे पहले पाकिस्तान की ओर जाता था, जिसके लिए भारत सरकार को उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए पाकिस्तान को मुआवजे के रूप में रकम देनी पड़ती थी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री जगमोहन सिंह को बुलाकर और चौधरी देवीलाल वियर का निर्माण करवाया, जिससे करोड़ों रुपए की लागत आई और ऑटो वियर का निर्माण हो जाने से बरसाती पानी को रोक पाना आसान हो गया। चौधरी देवीलाल वियर अलग अलग नहर निकालती है, जो कि कस्बा माइनर, मगाला माइनर, शेरावाली माइनर, SGG लाइन, SGG अनलाइंस, RKC, रत्ताखेड़ा, खरीफ चैनल सहित कई नहरें निकलती है, जो कि हजारों एकड़ भूमि को सिंचित करती है। इस बरसाती पानी से धान, नरमा, कपास की फसलें भरपूर मात्रा में होने लगी है। चौधरी देवीलाल ओटू हेड बियर बन जाने के बाद बरसाती पानी का सदुपयोग होने लगा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बन गई है। ओटू हेड के निर्माण हो जाने के बाद यहाँ पर मछली पालन का भी बहुत तायत में रोजगार फलने फूलने लगा। इस हेड के पास में एक विशाल हैचरी का निर्माण भी किया गया, जहां पर मछली पालन करने वालों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा जब भी बरसाती पानी ओटू हेड पर आ जाता है तो यहां का नज़ारा देखने के लिए दूर दराज से लोग पर्यटक स्थल पर आते हैं। यहां फायदा छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोगों को काफ़ी होता है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। आज पल पल की टीम पहुंची है ओटू हेड पे। ये ओटू हेड सिरसा और रानिया के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे 1999 के अंदर उस टाइम मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसका उद्घाटन किया था और ये 2001 में बनकर तैयार हो गया था। इस ओटू हेड से कई माइनर ऐसी निकलती है जो कि हजारों नहीं लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई करती है और ये दूर दराज के गाँव तक पानी पहुँचाती है, जहाँ पर धान की खेती लबालब हो रही है। इस समय धान का सीजन है और किसान इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ओटू हेड के इंचार्ज ओम प्रकाश जी से बात करते हैं, वो विस्तृत रूप से बताएंगे भी कितनी माइनर निकलती है, कितने लोगों को इसका फायदा होता है। इसके अंदर भी हमारे 5-6 नहरें और माइनर हैं, जिसमें मंगाला माइनर है, कसाबा माइनर है, शेरावाली पैलर नहर है, SGC अनलाइन नहर है, SGC लाइन नहर और NGC, ये हमारे यहाँ से निकलती हैं। ये कम से कम सैकड़ों गांव इससे लाभान्वित होते हैं और हजारों एकड़ जमीन जो है इससे पानी की सिंचाई होती है, इससे धान की और नरमे की फसल वगैरह अच्छी होती है। जून के महीने से वैसे शुरू हो जाता है और जुलाई में तो भरपूर रूप से शुरू हो जाता है। शुरुआत इसकी वैसे कई बार जून से भी हो जाती है जी, और जुलाई में तो आता ही आता है पानी। सभी नहरों में आज पानी चल रहा है जी, और 1539 क्यूसेक पानी सारी नहरों के अंदर चल रहा है जी। पीछे कितना पानी है? पिछले खनौरी वगैरह सारी नील हो चुकी है जी, अब वहाँ बारिश नहीं है, ना ही वहाँ पानी है। कोई पंजाब का थोड़ा बहुत पानी 200 क्यूसेक पानी आ रहा है सरदूलगढ़ से क्रॉस होके। 1539 क्यूसेक पानी है जी जो नहरों में दे रखे हैं हमने, जो स्टोरेज है। हाँ जी, रिपेयरिंग का काम चल रहा है हमारा। नहीं, ऑटो हेड पर जो पानी कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, इसकी रिपेयरिंग चल रही है। हाँ जी। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप?
रिपेयरिंग अवेलेबल है, हमारा काम वैसे चल रहा है। बाकी इससे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, कभी मान लो पानी आ जाता है तो हमारा कोई काम बीच में या नुकसानदायक कोई काम हो जाए। इससे पहले जो ये ओटू हेड ये वियर का निर्माण नहीं किया गया था, इससे पहले पानी कैसे कंट्रोल करते हैं? इसके अंदर इससे पहले हमारे पुराना पुल है जो अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है, उसके अंदर लकड़ी की कड़ियाँ लगती थी, 909 कड़ियाँ, उससे कंट्रोल हुआ करता था। कड़ियाँ लगाने के बाद में खाद और उसमें रोड़ी वगैरह डाल के उसको कंट्रोल किया जाता था। उसमें आपके पास कर्मचारी भी ज्यादा होते थे? हाँ, कर्मचारी ज्यादा था, खर्चा भी ज्यादा और रिस्की काम भी था जी वो। और इसके बनने से क्या फायदा? इसके बनने से तो बहुत फायदा है, एक तो स्टाफ की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाती है जी, इतना खतरनाक काम नहीं है जी, और सारा ये जनरेटर से ऑपरेट होने का सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। इस ऑटो हेड पर जो पानी रोकने का काम इससे पूर्व होता था, इससे अंग्रेजों के समय में ये पुराना पुल जो मेरे पीछे देख रहे हैं 1947 के अंदर ये पुल था, और इस पे लकड़ी के कड़ियां डाल करके यहाँ इसको पानी को रोका जाता था, जो कि बहुत ही रिस्केबल था। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे और मिट्टी सीमेंट बजरी वगैरह डाल करके इसको पानी को रोकते थे, जो कि पानी रोकने में कामयाब नहीं होता था। इसका मुआवजा जो है पाकिस्तान को देना पड़ता था, ये पानी पाकिस्तान में भी जाता है। अब इस ओटू हेड के जो वियर बनने के बाद ये पानी जो है यहाँ कंट्रोल हो जाता है, और ये कंट्रोल होने के बाद ये पानी यहाँ इस पानी का प्रयोग जो नहरों में डाल करके इसका जमींदार भरपूर फायदा उठाते हैं। यहाँ इस पानी से धान की खेती होती है, नरमा कपास की खेती होती है, और सभी खेतियाँ इससे पानी से बड़ी अच्छी खेती होती है। लोग इस पानी को बड़े चाव से लगाते हैं, जहाँ पर नहरों का पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर ये पानी जो है ये फ्लडी पानी जो है ये इसको बहुत बढ़िया पानी मानते हैं और ये पहुंच जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस पानी के रोकने से एक और अन्य फायदा है, यहाँ पे मछली पालन का बहुत बड़ा कारोबार होता है। यहाँ पे यही सामने हैचरी फार्म बनाया गया है, जहाँ पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके हैचरी का उत्पादन, जो मछलियों के बीज बनाए जाएंगे, इससे जमींदारों को इसके अलावा इसका फायदा और होगा, यहाँ मछली पालन का भी कारोबार चलेगा। अब आने वाले समय में यहाँ पे मच्छियों को जो बीज है यही मिला करेगा, और जैसे इनको बठिंडा या लुधियाना जाना पड़ता था, अब किसानों को यही पूर्ति हो जाया करेगी और कम खर्चा भी आएगा। इसको किसानों को और मच्छी पालन करने वालों को बड़ा फायदा होगा। हेड पे पानी जब लबालब भर जाता है तो दर्शक इसे देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो रेडी वाले बैठे हैं इनका भी सीजन खूब चलता है। आज बात करते हैं उनसे भी क्या फायदा होता है उनको। यहाँ जी ऐसा जी पानी आता है, जब पानी आने के कारण यहाँ पे लोग आते हैं, ये दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, तो उसके कारण हमारा रोजी रोटी चलता है जी, पानी के कारण जी। आदमी भी रुकते हैं यहाँ पे और छल्ली भी लेते हैं। उस टाइम हमारी हो जाती है जी 800 की सेल हो जाती है जी। आप बाकी दिनों में क्या होता है? बाकी दिनों में तो जी कोई 250-300 की सेल होती है जी। मतलब आपको पूरा फायदा? हाँ, पूरा फायदा होता है जी पानी आने के बाद। अच्छा। जी लाइट जो ओम प्रकाश ने जी अफसरों से कह के लाइट लूट भी लगवाई है, उससे हमारे को बहुत सुविधा है जी। मतलब आपका परिवार खूब पल रहा है? हाँ, रेडी के ऊपर पल रहा है जी। देखते रहिए पल पल न्यूज, ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट रानिया से, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।